नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अर्मिना राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशियल के एग्जाम की तो आप देखेंगे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी और हायर जुडिशियल के एग्जाम में भी कि वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जजमेंट राइटिंग आती है। तो चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जजमेंट राइटिंग को लेकर कि कैसे जजमेंट राइटिंग का करना होता है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग की हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं भाई इसमें आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आ जाइए उसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं कि जजमेंट राइटिंग कैसे करनी होती है। देखिए आप कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे मेन एग्जाम में जजमेंट राइटिंग आते हैं, और कुछ तो ऐसे भी स्टेट है जहां सिर्फ जजमेंट राइटिंग आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़। आपको पता है छत्तीसगढ़ जो है ना वहां पे जो है मेन एग्जाम में सिर्फ जजमेंट राइटिंग आती है, लॉ नहीं आता। तो ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे आपको ट्रांसलेशन पढ़नी होती है और ऐसे पढ़ने होते हैं और साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग है। वहां पे आप लोगों के जो क्या बोलते हैं इसको लॉ का मेन नहीं आता है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे आपके लॉ के मेन का पेपर भी होता है और मेन के पेपर के साथ ही जजमेंट राइटिंग आती है, जैसे कि यूपी है, जैसे कि राजस्थान है ना। और कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे जजमेंट राइटिंग का खुद का एक अलग पेपर होता है, जैसे कि गुजरात है ना, जैसे कि एमपी है, जहां इसका पेपर ही अलग होता है। तो जब आप अलग अलग वे में जाके देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आते हैं, और हायर जुडिशरी में जहां आप देखने को मिलेगा कि जजमेंट राइटिंग वहां पे आती है। तो जजमेंट राइटिंग करने के लिए आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि क्या मैं सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं जजमेंट राइटिंग कर सकता हूँ क्या, अभी मैं जजमेंट राइटिंग कर सकता हूँ क्या, क्या उसके लिए लॉ का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। देखिए बेटा, लॉ का कितना नॉलेज होना चाहिए जजमेंट राइटिंग के लिए वो आपको मैं बताती हूँ। किन किन लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताती हूँ। अभी बारिश के मौसम चल रहे ना, तो बारिश के मौसम में यही है, अब जैसे ऐसे राइटिंग की क्लास में ऐसे पूरा बोर्ड पे लिखा था, अब बारिश की मौसम की वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, अच्छी धूप हो तो जल्दी निकल जाता है। चलिए तो सबसे पहले आते हैं उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि मैं सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं जजमेंट राइटिंग अभी कर सकता हूँ, क्या मुझे क्या पढ़ना है। देखिए जब हम बात करते हैं जजमेंट राइटिंग की तो हम साथ में ऑर्डर राइटिंग की बात करेंगे और क्रिमिनल और चार्ज फिलिंग में की, यानी हमारे पास दो हैं, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल। ठीक है, क्रिमिनल के अंदर आपके पास क्या होता है, दो चीजें, तीन चीजें होती है, चार्ज फिलिंग होता है, ठीक है, जजमेंट राइटिंग होता है और तीसरा ऑर्डर राइटिंग भी होता है। लेकिन जनरली जो कोर्स में है बाकी सब जगह तो चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग है, और अगर गुजरात की बात करूं तो वहां पे इसके साथ ऑर्डर राइटिंग भी आती है। ठीक है, सिविल के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पे दो चीजें हैं, एक ऑर्डर राइटिंग है और एक जजमेंट है, फिर वो जजमेंट के बिहाफ पर डिग्री बिग्री दी जाती है। तो मोटा मोटा देखो सर, पर यूपी के एग्जाम में जाते तो आप प्लेंट भी आता है वहां, प्लेंट भी, तो मतलब जो जिस स्टेट का कोर्स है उस स्टेट में प्लेंट है तो वो कराते हैं, बाकी जनरली जजमेंट राइटिंग ही आती है। अब मतलब जजमेंट राइटिंग करने के लिए जैसे जो सेमेस्टर वाले बच्चे उनको लगता है मैं अभी सीख सकता हूँ नहीं, इसलिए कितना गहन अध्ययन चाहिए मुझे लॉ का। ठीक है, तो जब हम क्रिमिनल के जजमेंट की बात करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए क्रिमिनल के जजमेंट के लिए, आईपीसी, और क्या होगा आपको पता होनी चाहिए, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या ये सब टिप्स पे होना जरूरी है, नहीं बेटा, ये पढ़े भी होना जरूरी है, और जजमेंट सीखने के लिए आपको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। कभी भी कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा कि रेगुलर पढ़ने से वो आ जाती है, ऐसा नहीं रट्टाफिकेशन करने से आती है, कई बार रेगुलर स्टडी करते हो तो भी वो चीजें आ जाती है ना। ठीक, वैसे अगर हम सिविल की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सीपीसी, ठीक है, एसआरए, ओके, लिमिटेशन, ठीक है, अभी तो कॉमन है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये लीजिए। अब जो क्या हुआ कि इसमें मोस्ट ऑफ जजमेंट आईपीसी पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ और ये प्रोसीड करवाता है। अब यहाँ तो सारे प्रोसीजर लॉ है, तो ये कौन से लॉ पे आते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट का अध्ययन होना चाहिए, और टीपी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट और टीपी में किसी चीज को लेकर ब्रिज होता है, एग्रीमेंट ब्रिज होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज होता है ना, तभी तो हम जाएंगे उनके पास। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टीपी पे होते हैं, लेकिन मैं बात करूं महाराष्ट्र एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उनकी जो रेंट एक्ट है वहां से भी आ सकता है, अकोमोडेशन जो एक्ट है वहां से आ जाता है, तो एमपी वालों को फिर अकोमोडेशन एक्ट भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहां से आ जाता है। राजस्थान में रेंट कंट्रोल एक्ट है पर ऐसा कभी देखने को भी मिला नहीं है, पर आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा उनके जब आप जजमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप में कुछ परफॉर्मेंस चेंज होते हैं, बाकी कंटेंट हमेशा वही रहते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल वहां लिखा हुआ है,
इस पेटिशन में प्रोसीजर वही फॉलो किया जाएगा जो कि सीपीसी में है, जो कि सिविल प्रोसेस सिस्टम में, जो सिविल मैटर्स में है, तो कंटिन्यू वही रहता है, ऐसा कुछ नया नहीं होता है। से हम वैसे हम लोग जब जजमेंट रहते हैं क्रिमिनल की करते हैं तो हम जेजे का भी बताते हैं, पोक्सो का भी बताते हैं, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का बताते हैं, एनएएक्ट का बताते हैं, क्योंकि वो कुछ चीजें चेंज होती है, बाकी सबका सब एक जैसा चलता है। तो जब भी हम जजमेंट राइटिंग करते हैं तो पहले तो सिविल में आपको यही है और क्रिमिनल में इनका अध्ययन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है सीखने के लिए, फिर जब आप करना शुरू करते हो धीरे आपकी प्रैक्टिस में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं जब जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लो मैं बात करती हूँ क्रिमिनल की, क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग आती है, अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तोला चार्ज है ना, सिंगल हेड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल, फोर, यानी मोर देन वन कितने भी हेड्स हो सकते हैं, है ना, प्रथम वाद, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, आपने क्या क्या किया है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने थेफ्ट भी किया, आपने ग्रीवियस हर्ट भी किया, तो दोनों का चार्ज फ्रेम करेंगे, थेफ्ट भी किया, ग्रीवियस हर्ट भी किया, है ना, आपने थेफ्ट भी किया, ग्रीवियस हर्ट भी किया, हाउस ब्रेकिंग भी की, तो तीन लग जाएंगे। ऐसे जितना ऑफेंस करोगे उतने चार्ज लगते रहेंगे अलग अलग अलग। पर आपने दो लोगों ने मिलकर किया उस केस में क्या होगा, तो कई बार जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जजमेंट का इंडिविजुअल पेपर होता है तो वहां पे दोनों का अलग अलग चार्ज फ्रेम करना होता है। क्या कहा, जजमेंट का अलग है, अगर दो लोग मिलके 2% मिलके ऑफेंस करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग चार्ज फ्रेम करना होता है। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं, यूपी की मैं बात करूं, तो वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन भी उसी पेपर में है और जजमेंट भी उसी में है, तो इतना 3 घंटे में क्या क्या करोगे, तो वहां दोनों का एक चार्ज फ्रेमिंग हो सकता है। 5 or more than 5 लोग मिलकर जब करते हैं डेकोरेटी एक ही चार्ज फ्रेम हो जाता है ना, बाकी सबके पर्टिकुलर्स लिख दिए जाते हैं, ऐसे करके हम लोग जजमेंट राइटिंग करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जजमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। जजमेंट लिखने के लिए हमें क्या पता करना पड़ता है, तो हमें पता करना पड़ता है क्रिमिनल में बात करूं तो हमें देखना होता है सीआरपीसी में जो लास्ट में स्केड्यूल दी गई है, स्केड्यूल नंबर 1, तो वहां हमें जाके देखना होता है कि भैया कौन से मैटर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा, कौन से मैटर सेशन कोर्ट सुनेगा। यानी जब भी हम क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पहचानना होता है कि भैया ऑफेंस कौन सा है, क्योंकि ऑफेंस के अकॉर्डिंग कोर्ट तय होता है। क्या कहा, ऑफेंस के अकॉर्डिंग कोर्ट तय कर होता है कि कहां आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आएगा, कहां आपका सेशन कोर्ट आएगा। और ये सब कैसे पता चलता आपको, ये सब जो है सीआरपीसी की स्केड्यूल दी गई वहां से पता चलता है। ठीक है, और फिर आपको सेक्शन, तो सीआरपीसी में कैसे पहचाना आपने सेक्शन और वो सेक्शन कौन सा कोर्ट सुनता है, ये आपका है पहचानने का तरीका। और सीआरपीसी में और जब जजमेंट आते क्या पहचाना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया सेक्शन लगेगा कौन सा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज है, कब 307 308 बन जाता है, कब 308 307 बन जाता है, कब 302 304 हो जाता है, कब 304 302 हो जाता है। यानी वॉट 302 304, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, इवन दो कई बार तो हम जिसको 302 मानते हैं वो हमारा निकलता है 325, है ना, ये भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो हमें उसमें सेक्शन पहचानने होते हैं कि भैया इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, उसके हम प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा जजमेंट लिखते हैं, पूरा जजमेंट, क्यों, प्रैक्टिस के लिए, इस बार प्रैक्टिस हो जाए, केवल समझा दिया तो समझ के निकल गया, लेकिन जब 3-4 जजमेंट अपने हाथ से लिख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है फर्स्ट में ये, सेकंड ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, कैसे में चलना होता है। ठीक है, तो कोर्ट का नाम पहचानने का तरीका, कौन सा सेक्शन लग रहा है और वो सेक्शन कौन सा कोर्ट सुन रहा है, ये हमारा होता है क्रिमिनल चार्ज फ्रेमिंग में और जजमेंट राइटिंग में। देर आता है हमारे पास सिविल, सिविल में कैसे पहचानो, सिविल में तो है नहीं सेक्शन, चार्ज फ्रेमिंग कैसे कर गए, तो बोला सीवी में ऑर्डर राइटिंग, जैसे कि एग्जांपल ऑर्डर राइटिंग अगर आपको बताओ, ऑर्डर 9 रूल 7, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13, ये ऑर्डर राइटिंग है, ऐसे देखो कुछ फिक्स है हमारे पास ऑर्डर राइटिंग, है ना। और फिर जजमेंट के अंदर क्या आता है, कोर्ट का नाम कैसे बचेंगे, यहाँ 3 तरह के कोर्ट है, यहाँ तो 2 ही थे फर्स्ट क्लास और सेशन कोर्ट, यहाँ पे 3 तरह के कोर्ट है आपके पास, कौन कौन से है, डीजे कोर्ट है, सीनियर सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट है। अब देखो इस सिविल कोर्ट पे मैंने राउंड कर दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे जगह पे इनका नाम जूनियर सिविल है ना, और बहुत सी जगह पे इनका नाम सिविल है, अमेंडमेंट होते रहते हैं समय समय पर। अब जैसे राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे जूनियर वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एमपी की तो वहां पे सेकंड क्लास व्यवहार न्यायाधीश वर्ड यूज कर लेते हैं, कई बार केवल व्यवहार न्यायाधीश यूज कर लेते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जूनियर कहाँ है और क्या बोलते हैं केवल सिविल कहाँ है,
अपने स्टेट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिकली वहां पे क्या होता है, तो हम उस स्टेट के वाइज उसके बताते हैं कि भैया तेरे यहाँ पे राजस्थान वालों आपको सिर्फ सीवी लिखना है, छत्तीसगढ़ वालों आपको ये लिखना है, एमपी वालों आपको ये लिखना है, गुजरात वाला आपको ये लिखना है, महाराष्ट्र वाला आपको ये लिखना है, वो जिस स्टेट का उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसका नाम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कोर्ट है। अब इन तीन कोर्टों को कैसे पहचानोगे? देखिए, जब सीपीसी बनी थी 1908 में, क्या कहा, जब सीपीसी बनी थी 1908 में, तो इन कोर्ट का अपना फिक्स ज्यूरिडिक्शन था, डीजे का, सीनियर का और सिविल कोर्ट का, जिसको कई जगह जूनियर कोर्ट है, इनका था अप टू 5000 रुपीज, फिर 25,000 रुपीज और 25,000 से अनलिमिटेड। बट एक बहुत बड़ा मैं लिख रही हूं, बट 1908 और आज हमें 2022 में है ना, तो चीजें चेंज हो गई, हर स्टेट ने इस पर अमेंडमेंट कर दिया। तो जब आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ राजस्थान का, एट द टाइम राजस्थान में क्या हो रहा है, अप टू 2 लाख, ठीक है, 2 लाख 1 रुपीज से 5 लाख और 5 लाख 1 रुपीज से अनलिमिटेड, ये है अभी राजस्थान का, राजस्थान का एग्जाम आ रहा ना, ये राजस्थान का जुरिस्डिक्शन है। इसी तरह से ये 2014 में अमेंडमेंट हो गया राजस्थान में, इसी तरह के हर स्टेट के अपने अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब आप कहेंगे उस स्टेट का हमें कैसे पता चलेगा, देखो गूगल पे जाओगे थोड़ी सी गड़बड़ी है वहां पर, हमने भी कई बार सर्च किया, तो उससे बेस्ट है कि आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट के अंदर आपके जो कोर्ट है वहां से एडवोकेट से पता कर लो, वहां के जज से पता कर लो और हमेशा के लिए अपने पास लिख लो। कुछ स्टेट के हमने लिख रखे हैं तो जब क्लास में चाहता तो हम लिखवा देते हैं, एमपी वालों आपका ये, जब हम सीपीसी पढ़ाते हैं और सीपीसी में जब हम पढ़ाते हैं सेक्शन 15 तो उसी के दौरान हम ये सब लिखवाते रहते हैं, जब पढ़ाते हैं सेक्शन 6 तो हम लिखवा देते हैं तेरे स्टेट में ये है, तेरे स्टेट में ये, तेरे थोड़ा रिसर्च हमने भी किया वहां से बात की लोगों से, हम ऐसा करके कर देते हैं ताकि उनका रहे, क्योंकि गूगल पे जब सर्च करोगे ना वहां गड़बड़ी होती है, आपको अकॉर्डिंग टू गूगल से हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो अपडेट नहीं होते कई बार, तो आपको उस स्टेट के बारे में पता करना है। तो इनके कोर्ट, तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये पहचाना कोर्ट का नाम क्या आएगा, तो अपने जजमेंट में जब भी लिखते हैं कोर्ट का नाम सही होना चाहिए, फिर क्रिमिनल है तो सेक्शन सही होना चाहिए, सिविल है तो मैटर किस में आया है, क्योंकि सिविल में देखो कई बार तो सेक्शन लगेंगे, कई बार डायरेक्ट ही लिखा जाएगा, ऐसा जो नहीं हर बार सेक्शन लगे, बस सीधा आ जाएगा कि सेल को सहायता साइड करने के लिए एप्लीकेशन है ना, तो सीधी आ सकती है, वहां जरूरी नहीं है, ऑर्डर राइटिंग में तो लग जाएगा और उसमें लगे जरूरी नहीं है। तो इस तरह से दोनों को हम पूरा बताते हैं कि भी इस तरह से हमें करना है, पूरा एक एक कोर्ट का नाम उनके हाथ में होते हैं, साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहते रोज, हम क्वेश्चन देते रहते हैं क्रिमिनल में ताकि वो अपनी प्रैक्टिस भी करते रहे, दूसरे दिन हम उनसे क्वेश्चन का पुटअप कर लेते हैं कि भाई तुम क्या करके आए हो, इसमें क्या सेक्शन लगा, क्यों सेक्शन ये लगा, क्यों ये सेक्शन नहीं लगा, इस तरह से हम लोगों की जजमेंट आइटी की क्लासेस चलती है। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं डेमो क्लास चाहिए, अब इतना छोटा सा तो कोर्स है, अब इसमें डेमो दे देंगे तो रहेगा ही क्या, है ना, तो हमने सोचे काम करते डेमो की बजाय हम बता देते हैं आपको कि देखो इस तरह से हम लोग जजमेंट राइटिंग सिखाते हैं और इस पूरे जजमेंट को हम लिखवाते हैं आपकी कॉपी में बोल करके, जैसा सुविधा हमारे पास, नहीं तो बोर्ड पर, तो बोर्ड पे लिखा देते हैं, हमें लगता है कि बोर्ड पे लिखना और बोल के लिखना दोनों इक्वली है, तो कभी बोल के लिखवा लेते हैं, जो चीज हमें लगता है मैंडेटरी है वो पूरा बकायदा बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे चार्ज पेमेंट पूरा बोर्ड पे लिखाते हैं ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, आप पर्टिकुलर्स कैसे स्टार्ट करना है, जजमेंट का ऊपर से टाइटल से कैसे स्टार्ट होगा वो सब बोर्ड पे, लेकिन जब जजमेंट चार चार पेज का होता है तो फिर हम उसको बोल के लिख पाते हैं, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। ये जो क्लासेस होती है वो जूम पर चलती है, जूम ऐप आप सबने सुन रखा है ना, हम लोग जूम पे पढ़ाते हैं और ये क्लासेस जूम पर लाइव चलती है, लाइव क्लासेस होती है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत सारी करेक्शन होती है, जैसे हम पढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन पुटअप होते जाते हैं, बच्चे क्वेश्चन रेज करते रहते हैं और हम उनसे पूछते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, इसे रिकॉर्डिंग नहीं देती कभी, क्योंकि रिकॉर्डेड में फिक्स चीजें आपकी फिक्स जगह पे रुक जाती है, लेकिन जब क्लासेस चलती है रेगुलर चलती है तो उसमें क्या फायदा होता है, आपको नई नई चीज निकलती, अगर फिक्स कर दो तो बच्चा उसी को पढ़ेगा, डेवलप भी नहीं हो पाएगा, आगे क्या करना है। ऑनलाइन क्लासेस में लाइव में फायदा, वो खुद भी कुछ एक्टिविटी करके आता है और हाँ सबसे अच्छी बात, जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है तो उसको लगता है मेरे पास समय है, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं घर पे नहीं कर सकता, तो रिन्यूअल करा देते हैं, नहीं तो क्या होगा वो उसी को करेगा, नया कहां से आएगा, जब बच्चा रिन्यूअल करके आएगा हमें भी लगेगा ये रिन्यूअल से आया, कुछ और नया होना चाहिए, तो और भी चलता रहता है, तो नए वालों के लिए तो नया है ये, उसके लिए भी है, उसकी उस चीजों की भी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ में नई चीजें भी हम ऐड करते रहते हैं कि भाई नहीं उसको कुछ और भी नया मिलना चाहिए, है ना, लेकिन जो नए बच्चे आए उनको हम नए दे रहे हैं, तो ये चलता रहता है, मेन चीज उसका प्रैक्टिस का हो जाता है, उसके साथ साथ इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्जाम में जजमेंट राइटिंग में सोचने की जरूरत नहीं है, वो जो आपकी सोचने समझने की क्षमता ना वो यहीं पर पूरा कितना प्रैक्टिस है कि एग्जाम फटाफट करना ही रहा, नहीं तो हम सोचेंगे अब क्या लिखना है,
अब क्या, या इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप सोचना जरूरत नहीं है, सबसे आपको इजी लगने जो क्या जो सबसे आपको टफ लगता है वो आपको सबसे इजी लगने लग जाता है। तो इस तरह से हम लोगों की जजमेंट राइटिंग क्लास चलती है। एक 25 डेज का कोर्स हमने इसको अनाउंस कर रखा है, जरूरत पड़ती है 30 डेज भी हो जाता है, 35 डेज भी, ऐसा नहीं 25 दिन हो गया आज खत्म, नहीं वो 30 भी हो जाता है, वो 35 भी, लेकिन हाँ मिनिमम हमने रखा है 25 दिन में हम कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, तो ये नए बैचेस हमारे जजमेंट राइटिंग स्टार्ट हो रहे हैं और हमें था कि आज इसका रिजल्ट आ जाए, तो उम्मीद है आज संभावना है कि आज आज इसका रिजल्ट आ जाए आप लोगों के, तो बस आज आ जाए 7 तारीख है, तो 9 तारीख से फिर इसको स्टार्ट करें। तो जजमेंट राइटिंग की क्लास का टाइम क्या है, इवनिंग में 8 PM का रहता है और ये हम शुरू कर रहे हैं 9 जनवरी से। अब एक क्लास का चलती कितनी देर है ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं, देखो जनरली इसका टाइम है 8 से 9, ठीक है, लेकिन जिस दिन जजमेंट लिखाते हैं तो जजमेंट हम सोचते बीच में क्यों छोड़े उसको पूरा लिख लेते हैं, तो उस दिन 9:30 भी हो जाती है, 10 o'clock भी हो जाता है। तो ये सब लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के कर सकते, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई इतना लेट नाइट क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 8 से 9 का टाइम है, बट 9:30 भी बच जाते हैं क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में, लिखने में टाइम भी लग सकता है। तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फॉर्म ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस सबमिट करके और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा आपको, 9950574460, ठीक है। अभी इस बार हम जैसे भी जजमेंट राइटिंग कंप्लीट हो गए, इस बार जो क्लास ले रही हैं ये हम सारे स्टेट के लिए ले रहे हैं, राजस्थान का भी एक बैच मिला नहीं मिला, एक और स्टार्ट हो रहा है, साथ ही हाई जुडिशी का भी इसके साथ स्टार्ट करें क्योंकि अभी कई हाई जुडिशी के एग्जाम आने वाले, इसके साथ हम दूसरे सारे स्टेट का एक साथ ले रहे हैं ताकि बाकी सब चीजें तो चलती रहेगी, जो जो जिस स्टेट का अलग होगा वो साथ साथ बताएंगे, उसमें आपको भी फायदा है, वैसे राजस्थान वालों के किसी बार सिलेक्शन हो जाए बाकी आपको पता रहेगा उस स्टेट में अगर मुझे देना पड़े तो क्या रहेगा, उस स्टेट में देना पड़ेगा तो मुझे क्या मिल जाए, फायदा हो जाएगा। तो ये भी हमने इस बार साथ करा रही क्योंकि थोड़ा समय मेरे पास नहीं मिल पाता अलग अलग के बैच चलाने, तो मैंने कहा एक बार साथ चलाते हैं तो उसमें फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा। तो ये बैच हमारा 9 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, तो इसका फॉर्म आप ले सकते हैं और इस नंबर का व्हाट्सअप करके फॉर्म आप ले सकते हैं, इसकी फीस डिटेल कितनी है वो भी आप जान सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिखना जजमेंट राइटिंग फीस डिटेल वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। चलिए तैयारी कीजिए, उम्मीद है राजस्थान का रिजल्ट आ जाने की, देखते हैं क्या होता है, ऑल द बेस्ट, चलिए।